देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया था जो एक्सेप्ट करा सके उन स्ट्रिंग को जो एक पैलिंड्रोम हो और इवन लेंथ का हो। आज के इस वीडियो में हमें एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना है जो एक्सेप्ट करा सके उन स्ट्रिंग को जो एक पैलिंड्रोम तो हो ही बट उसकी जो लेंथ है दैट मस्ट बी ऑड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक ऐसा स्ट्रिंग कंसिडर करना है इनपुट टेप में जो एक पैलिंड्रोम भी हो और ऑड लेंथ का हो। तो देखिए, अगर फर्स्ट सिंबल हम ए यूज कर रहे हैं तो लास्ट सिंबल भी ए ही होना चाहिए तभी पैलिंड्रोम बनेगा। सेकेंड पे अगर हम बी यूज कर रहे हैं तो सेकेंड लास्ट बी होना चाहिए। थर्ड पे अगर हम ए यूज कर रहे हैं तो थर्ड लास्ट बी ए होना चाहिए। अब बचा ये, यहाँ ए हो या बी हो ये स्टिल एक पैलिंड्रोम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? अगर आप इसको इस साइड से रीड कीजिए तो ए बी ए बी ए बी ए, इतना क्लियर। अब इसको आप इस साइड से रीड कीजिए तो ए बी ए बी ए बी ए, सेम पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रिंग हमारे पैलिंड्रोम कहलाते हैं। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 2, 4, 6, 7 विच इज एन ऑड। ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रिंग कंसीडर कर लिए इनपुट टेप पे जो एक पैलिंड्रोम भी है और ऑड लेंथ का भी है। आफ्टर दिस स्ट्रिंग एनी नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस कैन बी प्रेजेंट ओवर द इनपुट टेप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डल सिंबल, इतना क्लियर। नाउ लॉजिक ये है पैलिंड्रोम का, फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी सेम, ये दोनों सिंबल सेम होने चाहिए। सेकेंड सेकेंड लास्ट सिंबल शुड बी सेम। थर्ड थर्ड लास्ट सिंबल शुड बी सेम। और फिर अगर एक सिंगल सिंबल है, ये ए हो या बी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये स्टिल एक पैलिंड्रोम रहेगा, इतना क्लियर। तो देखिए, हमें इन दो पोजीशंस को कंपेयर करने हैं, इनको कंपेयर करने हैं, इनको कंपेयर करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनिशियल स्टेट मान लेते हैं क्यू जीरो, यहां पे ए है, ए को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा राइट किया और डायरेक्शन राइट रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए, ए को एब्स्ट्रैक्ट किया, राइट डायरेक्शन है, क्यों है? क्योंकि अब उसे इस पोजीशन को इस पोजीशन से कंपेयर करना है लास्ट वन से, और इसके लिए रीड राइट हेड को राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्लियर। ए को एब्स्ट्रैक्ट किया, डायरेक्शन राइट। बहुत से ए भी मिले, उनको एज इट इज रहने देगा, ए को यही रहने दिया, राइट मूव करता गया, बी को भी ही रहने दिया, राइट मूव करता गया। कब तक? जब तक वो इस फर्स्ट डेल पे ना पहुंचे। क्यों फर्स्ट डेल तक गया? यहीं पे क्यों नहीं इसको कंपेयर कर, यहां से सिंपली यहां कंपेयर करना है तो यहीं पे कंपेयर क्यों नहीं किए? आपको दिख रहा है कि ये लास्ट सिंबल है, ट्यूरिंग मशीन कैसे समझेगा कि ये लास्ट सिंबल है? तो वो ब्लैंक स्पेसेस तक जाएगा। ब्लैंक स्पेसेस पे जाने का मतलब कि अब इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, सारे सिंबल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो इस डेल तक जाएगा और डेल को डेल रहने देगा और डायरेक्शन चेंज कर लेगा लेफ्ट की तरफ। अभी तक वो राइट मूव कर रहा था, अब लेफ्ट मूव किया। क्यों किया? क्योंकि अब उसे इस पोजीशन पे आना है। ठीक है, तो डेल को डेल रहने दिया और डायरेक्शन चेंज कर लिया लेफ्ट की तरफ। तो ए को राइट किया था और डेल के बाद सबसे फर्स्ट सिंबल ए ही मिलना चाहिए उसे, तभी पैलिंड्रोम बनेगा। तो उसे यहां ए ही दिख रहा है, तो ए को क्या करेगा? डेल करेगा और डायरेक्शन लेफ्ट रहेगा। क्यों लेफ्ट रहेगा? क्योंकि इसके बाद उसे इस बी को राइट करना है जो कि ए के लेफ्ट में है, क्लियर। तो ए को डेल किया, डायरेक्शन रीड राइट हेड का लेफ्ट। तो बहुत से बी ए ये सारी चीजें मिल रही हैं, ए को ए ही रहने देगा, लेफ्ट चलता जाएगा, बी को बी ही रहने देगा, लेफ्ट चलता आएगा। कब तक? जब तक वो इस फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं पहुंच जाए। अब आप कहेंगे ये बी को राइट करना था तो एब्स्ट्रैक्ट तक क्यों गए? आपको अगेन दिख रहा है कि ये राइट हो चुका है, अब इसे राइट करना है। ट्यूरिंग मशीन कैसे समझेगा? तो वो इस एब्स्ट्रैक्ट तक जाएगा, जब उसे फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा तब उसे समझ में आएगा कि इससे प्रीवियसली वैल्यू राइट हो चुकी है, सिंबल राइट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो इस एब्स्ट्रैक्ट तक आया और फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया। अभी तक वो चल रहा था लेफ्ट, तो अब डायरेक्शन चेंज कर लिया राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट को एब्स्ट्रैक्ट ही रहने दिया
और जो लेफ्ट चल रहा था वो डायरेक्शन चेंज करके राइट कर लिया। इतना क्लियर। अब उसे मिल रहा है स्मॉल बी, तो Q3 यूज कर चुके हैं, अब Q4, तो इस बी को क्या करेगा, राइट करेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाया और डायरेक्शन राइट की तरफ, क्योंकि उसे फर्स्ट डेल तक जाना है और डेल पे जाने से पहले बहुत से ए और बी मिलेंगे, तो ए को ए ही रहने देगा डायरेक्शन राइट, बी को बी ही रहने देगा डायरेक्शन राइट। इतना क्लियर। पहुंचा वो इस डेल के पास, डेल को डेल ही रहने देगा, जो राइट चल रहा था लेफ्ट आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा क्योंकि अब उसे इन दोनों प्लेस को कंपेयर करना है और यहां पे आने के बाद उसे यहां आने के लिए डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा लेफ्ट। तो अब जैसे ही वो लेफ्ट पे आया, बी राइट किए थे, डेल के बाजू में सबसे पहला सिंबल उसे बी मिल रहा है, तभी हम पैलिंड्रोम कह रहे हैं। बी को डेल करेगा डायरेक्शन लेफ्ट, लेफ्ट आएगा तो ए बी बहुत से मिलेंगे, तो जितने भी ए मिलेंगे उसको ए रहने देगा, लेफ्ट मूव करेगा, बी को बी रहने देगा, लेफ्ट मूव करेगा, तब तक जब तक वो फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट तक ना पहुंच जाए। जैसे ही वो फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा, एब्स्ट्रैक्ट मिलने के बाद वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा, जो लेफ्ट आ रहा था वो राइट, क्योंकि अब उसे नेक्स्ट वैल्यू को राइट करनी है, ठीक है, नेक्स्ट सिंबल को। अब उसे मिल रहा है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए को एब्स्ट्रैक्ट किया डायरेक्शन राइट, बी मिल रहा है तो बी को एज इट इज रहने दिया, राइट मूव किया, कब तक, जब तक वो डेल तक नहीं पहुंचा, डेल जैसे ही मिला डायरेक्शन लेफ्ट हो गया। अब ए राइट किया था और डेल के जस्ट बाजू में फर्स्ट सिंबल से ए मिल रहा है, तो ए को डेल किया और डायरेक्शन लेफ्ट, बी को एस्केप किया डायरेक्शन लेफ्ट, कब तक, जब तक वो एब्स्ट्रैक्ट तक ना पहुंचे, एब्स्ट्रैक्ट जैसे ही मिला डायरेक्शन चेंज कर लिया राइट। अब एब्स्ट्रैक्ट के बाद क्या है, बी, तो बी को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और डायरेक्शन रहेगा राइट, तो अब उसे मिला डेल, तो डेल जैसे ही मिला तो डेल को डेल ही रहने देगा और लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है, और डेल को डेल रहने दिया और लेफ्ट आया, अब उसे क्या मिला, एब्स्ट्रैक्ट। इतना क्लियर। तो एब्स्ट्रैक्ट मिलने का मतलब कि सारे सिंबल कंपेयर हो चुके हैं, तो अब वो क्या करेगा, हॉल्ट स्टेट पे आ जाएगा। देखिए डेल को डेल रहने दिया, लेफ्ट मूव किया, तो डेल के बाद अब उसे मिला लेफ्ट में एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट को एब्स्ट्रैक्ट रहने देगा और हॉल्ट स्टेट पे स्टॉप हो जाएगा। इतना क्लियर। तो यहां पे बी था, हो सकता है ए भी हो, तो ए को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट मूव करेगा, फिर डेल के बाद उसे एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, तो अगर ए मिल रहा है तो वो यहां से एब्स्ट्रैक्ट को एब्स्ट्रैक्ट रहने देगा और स्टॉप कर लेगा, हॉल्ट स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग अगर ऐसा है, मान लीजिए यहां पे ये है, तो ये इतनी चीजें तो हो चुकी हैं, ये डेल हो चुका है। अब जैसे ही वो ए को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर डेल पे पहुंचेगा, फिर वो लेफ्ट आएगा, तो अब उसे एब्स्ट्रैक्ट जैसे ही मिलेगा तो वो हॉल्ट स्टेट पे आ सके, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ट्यूरिंग मशीन, जो एक्सेप्ट करा सके उन सारे स्ट्रिंग को जो ऑड लेंथ का हो और एक पैलिंड्रोम हो। तो आई होप कि ये ऑड लेंथ पैलिंड्रोम और इसे प्रीवियस वीडियो में इवन लेंथ पैलिंड्रोम दोनों ही क्लियर हो अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर स्टिल कोई डाउट है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, और अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, ठीक है।